रविवार को आने वाली सर्वपित्र अमावस्या की तैयारियों को लेकर पुलिस एवं राजस्व प्रशासन का अमला नर्मदा नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए खासा चिंतित दिखाई पड़ रहा है। आज एडिशनल एसपी राजेश्वरी महोबिया, तहसीलदार एसटी कटारे, सूबेदार बरसा गौर, आरआई संतोष पथोरिया ने सभी घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के स्नान की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग व्यवस्था की, जिससे कि श्रद्धालु गहरे पानी में स्नान करने ना पहुंचे। वहीं बरगी डैम का पानी छोड़े जाने के चलते नर्मदा का जलस्तर 264.930 मीटर रहा। ऐसे में पेड़ी घाट, हनुमान घाट एवं जल संयंत्र घाट पर स्नान पर तहसीलदार ने रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। तहसीलदार कचारे ने बताया कि इन घाटों पर नर्मदा के अंदर गहरा पानी होने से बैरिकेटिंग के इंतजाम नहीं हो पाए। ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं के नहाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी, जिसके चलते इन घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लगा रहेगा। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं गोताखोर विभिन्न घाटों पर तैनात किए गए हैं। 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान कोरोना संक्रमण काल के चलते 2 वर्ष से सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या नर्मदा सत्र पर प्रतिबंध के चलते आज बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त पैदल, दोपहिया, चार पहिया वाहन से नर्मदा घाटों पर आते हुए दिखाई पड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि करीबन 3 लाख से अधिक श्रद्धालु रविवार को सर्वपित्र अमावस्या स्नान करने पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 16 श्राद्ध का इसी दिन अंतिम तर्पण भी होना है। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।